नमस्कार, वीकेबी न्यूज की आज की स्पेशल स्टोरी में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूँ। वीकेबी न्यूज की ओर से गणेश जी के सभी भक्तों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये त्योहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। इस प्रतिमा का 9 दिनों तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में आसपास के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। 9 दिन बाद गानों और बाजों के साथ गणेश प्रतिमा को किसी तालाब इत्यादि जल में विसर्जित किया जाता है। हमारी सभ्यता में कई देवी देवता है, उनमें श्री गणेश को सबसे ऊपरी माना जाता है। श्री गणेश की कहानियाँ और उनके विषय में जानना सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। श्री गणेश जी का रूप ही ऐसा है कि सब उसका वर्णन देखने में तल्लीन हो जाते हैं। श्री गणेश भगवान शिव शंकर और देवी पार्वती के प्रथम पुत्र थे और सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। शिव पुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगल मूर्ति गणेश की अवतरण तिथि बताया गया है, जबकि गणेश पुराण के मत से ये गणेश अवतार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हुआ था। संस्कृत कोशानुसार गण अर्थात पवित्रक और पति अर्थात स्वामी, गणपति अर्थात पवित्रकों के स्वामी। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ खंड में ये वर्णन है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपनी मैल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया। शिवजी ने जब प्रवेश करना चाहा, तब बालक ने उन्हें रोक दिया। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। अंततो गत्वा भगवान शंकर ने क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे भगवती शिवा क्रुद्ध हो उठी और उन्होंने प्रलय करने की ठान ली। भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। गेल्या 2 वर्षापासून आपल्याकडे मंदिरा कोरोना काळामुळे जो काही गणेशोत्सव झाला 2 वर्षांमध्ये 2 वर्षापेक्षा आता जे उघडलं आहे सगळं, त्यामुळे जी दर्शनाची जी भाविकांची भीड आहे तुम्ही बघूनच राहिले आहे। सकाळी 4:30 जे मंदिर उघडलं आहे, 5 वाजता पहिली आरती होते, त्याच्यानंतर श्रृंगार होतो, देवाचा अभिषेक होतो। आणि रोजच्या परंपरेनुसार पहिलेपासून चालकाने परंपरा आहे, 5:30 अभिषेक सुरू होतो आणि मंगलाची मोठी आरती 6:30 होतो। दोन वर्ष जे गेले तेच फक्त रिकामे गेले कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे, त्या बिमारीमुळे। इथे गर्दी आहे जी नेहमी चतुर्थीला, प्रत्येक चतुर्थीला दर महिन्याच्या चतुर्थीला असतेच, पण आजची जी भाद्रपदातली शुक्ल पक्षाची जी गणेशोत्सवाची विनायकी चतुर्थी आहे, चतुर्थीला एक विशेष हे असते की 10 दिवसाचा गणेशोत्सव सुरू होतो, त्यामुळे लोकांचा उत्साह हा तांडगा असतो। सर्व गणेश भक्तांना शुभेच्छाही देतो, कमिटी मंडळातर्फे सुद्धा सर्व गणेश भक्तांना शुभेच्छा देतो। स्वयंभू गणेश दोन 250 वर्षापासून पुरातन मंदिर आहे, आणि इथे जे काही श्रद्धाळू दुःख घेऊन येतात ते सुख घेऊनच रडत रडत आणि हसत हसत ही जी खाती आहे विदर्भातील अष्टविनायकापैकी। फ्रेंड्स कॉलोनी, आज बहुत हम हर साल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है गणपति बाप्पा को दर्शन करके। हम नया साल में भी आते हैं दर्शन करने, और इस अभी भी आते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है ना अभी इतने दिन, मतलब 2 साल के बाद हम गणपति के सामने आके पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, दर्शन हो रहा है सामने से। शिव जी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षति रेख से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया और देवताओं में अग्रणी होने का आशीर्वाद दिया।
ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्र पूज्य होने का वरदान दिया। भगवान शंकर ने बालक से कहा, गिरिजानंदन, विघ्न नाश करने में तेरा नाम सर्वोपरि होगा, तू सबका पूज्य बनकर मेरे समस्त गणों का अध्यक्ष हो जा। गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा के उदित होने पर उत्पन्न हुआ है। इस तिथि में व्रत करने वाले के सभी विघ्नों का नाश हो जाएगा और उसे सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय के समय गणेश तुम्हारी पूजा करने के पश्चात व्रती चंद्रमा को अर्घ्य देकर ब्राह्मण को मिष्ठान खिलाए, तदुपरांत स्वयं भी मीठा भोजन करें। वर्ष पर्यंत श्री गणेश चतुर्थी का व्रत करने वाले की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। गणेशोत्सव के 10 दिन पूरे होने के बाद 11वें दिन गणेश विसर्जन की तैयारी भी बड़ी धूमधाम से की जाती है। गणेश विसर्जन के लिए एक सुंदर रथ बनाया जाता है और रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है, जिसके बाद गणेश भगवान की आरती की जाती है और उनकी मूर्ति को रथ में बिठाया जाता है। फिर पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली जाती है। गणेश शोभा यात्रा में लोग गुलाल उड़ाते हैं, पटाखे जलाते हैं, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के नारे लगाए जाते हैं। आजकल लोग डीजे भी बजाने लगे हैं। आखिर में शहर के किसी तालाब, नदी या समुन्द्र में गणेश भगवान की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया जाता है। मी आकाश उजलाच आहे नागपूरचा। मागच्या 2 वर्षापासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर खूप रेस्ट्रिक्शन्स होते, त्यामुळे सण उत्सव हे म्हणजे गणपती हा महाराष्ट्राचा विशेषतः लाडाचं दैवत आहे आणि ते साजरं करता येत नव्हतं। त्याचा उत्साह यावर्षी प्रत्येकांमध्ये जाणवतो आहे। म्हणजे जसं आता काही दिवसांपूर्वी झालेली दहीहंडी हे जर बघितलं, त्याच अनुषंगाने गणपती उत्सवाकडे या 10 दिवसांचा जो काळ आज जाणार आहे त्याची पूर्वतयारी म्हणून मागच्या काही दिवसांमध्ये खूप गडबड आणि बाजारपेठा भरलेल्या होत्या, तर एकंदरीत उत्साह आहे लोकांमध्ये। मेरा नाम आहे रुचिरा मिश्रा। 2 साल पहले कुछ ज़्यादा रश नहीं हुआ था, इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया है और भक्तों की कुछ ज़्यादा ही इस बार मतलब रौनक दिख रही है। ऐसे ही हर साल गणपति बाप्पा आशीर्वाद दे और कोरोना को जल्द से जल्द खत्म करे, यही हम की मनोकामना है। तो वीकेबी न्यूज़ की आज की स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।